आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास तोप के गोले गिरे हों और वो फटे ही ना हो, वो भी एक या दो नहीं, पूरे 500 से ज्यादा गोले। एक ऐसे ही अजूबे का दावा मिलता है भारत पाकिस्तान की जंग के इतिहास में। इस अजूबे से आस्था और पराक्रम दोनों जुड़े हैं। भारत मंदिरों और मठों का देश है, जहां पग पग पर आस्था मिलती है और आस्था के साथ अजूबा भी। मैं आज आपको एक ऐसे ही अजूबे से रूबरू कराऊंगा जहां आस्था के साथ पराक्रम भी जुड़ा है। कहते हैं जैसलमेर के पास लोंगे वाला पोस्ट पर तनोट माता का मंदिर है। ऐसा मंदिर जहां पाकिस्तान ने हजारों बम बरसाए, लेकिन आस्था के इस दर पर सारे बम फुस हो गए। आखिर क्या है पहेली, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर जैसलमेर, जिसका पर्यटन के लिहाज से सैलानियों में अलग ही क्रेज मिलता है। दुर्गों, राजमहलों और मंदिरों का शहर, जहां कभी एक रियासत हुआ करती थी और जो आज राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इसी शहर से करीब 125 किलोमीटर आगे पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में एक मंदिर मिलता है, मंदिर तनोट माता का। दावा किया जाता है कि इसी मंदिर में 49 साल पहले एक अजूबा हुआ था, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों में आज भी हौसला भरता है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में माँ तनोट ने साक्षात्कार चमत्कार दिखाया, तो इसके बाद 1971 के युद्ध में भी माँ के चमत्कार को देखने को मिला। विशेषकर 4 दिसंबर 1971 को जब पंजाब रेजिमेंट और बीएसएफ की एक टुकड़ी ने लोंगेवाला में पाकिस्तान की पूरी टैंक बटालियन को ध्वस्त किया, तो पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया भारत की सेना का लोहा मानने लगी, बीएसएफ के जवानों की साहस और जज्बे को सलाम करने लगी। और उसके बाद हमारे तमाम जवानों की याद में ये जो आप देख रहे हैं तानोट विजय स्तंभ का निर्माण करा गया। और उसके बाद 16 दिसंबर को हर साल यहाँ हमारे जवानों की याद में उनकी वीरता, उनकी साहस, उनकी शहादत को सलाम करते हैं, याद करते हैं, और यहाँ एक उत्सव भी मनाया जाता है। और उसके बाद ही उस लोंगेवाला की पोस्ट के बाद जो लड़ाई हुई, उसके बाद ही यहाँ विजय स्तंभ की स्थापना की गई। माता तनोट राय यानी आवड़ माता का मंदिर, जिन्हें हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है, वही हिंगलाज माता जिनका शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लास्ट वेला में मिलता है। कहा जाता है कि तनोट माता के इस मंदिर में यहाँ के लोग हमेशा से पूजा करते रहे हैं, लेकिन 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी मंदिर के पास एक अजूबा दिखने के बाद से ये मंदिर बीएसएफ की आस्था का भी खास केंद्र बन गया। कहते हैं कि आस्था के पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन शायद ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां माता के मंदिर में उनकी ताकत का सबूत रखा हुआ है। सबूत मोर्टार और तोप के जिंदा गोलों का, जो पाकिस्तानी सेना के हथियारों से निकले जरूर, लेकिन मंदिर तक आते आते जिनकी ताकत खत्म हो गई। ये जो आप बम देख सकते हैं, ये वही बम है जब 1965 के युद्ध में टारगेट किया पाकिस्तानी सेना ने कि तनोट माता मंदिर को मिटाना है, ध्वस्त करना है। तीन तरफ से पाकिस्तान ने हमला किया। जब लगा कि नीचे जमीन पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो आसमान से भी उन्होंने बम बरसाए, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। आप देख सकते हैं ये आज भी जो स्मृतियां हैं, ये उसी युद्ध की वो स्मृतियां हैं कि वो नहीं फटे। यही नहीं, खरोंच तक भी नहीं आया। जब पाकिस्तान सैनिकों ने जब देखा है कि हमने जब इतना फायर किया है, 3000 बम फायर किए हैं, वो कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो हिंदुस्तान के पास ऐसी क्या तकनीक है कि हिंदुस्तान के पास ऐसी क्या शक्ति है, तो हमने एक चीज़ देखनी है कि हिंदुस्तान के पास ऐसी है क्या चीज़ है, वो शक्ति क्या चीज़ है। तो पाकिस्तान का जो है जनरल ने वहीं से पैदल यात्रा की है, और 2 दिन उसने जो है पैदल यात्रा करके जो है यहाँ आया, माँ के पास आया, और माँ को 4 चांदी के छत्र चढ़ा करके गया कि मैं मान गया हूँ कि ये शक्ति है,
और आज भी ये जीवित रह सकती जो है, और छत्र अभी भी जो है हमने जो है मंदिर में भक्तों को दिखाने के लिए रखे हुए हैं। कहते हैं कि देवी के मंदिर में हुए इस अजूबे के बाद उस समय सरहद पर तैनात बीएसएफ की मामूली सी टुकड़ी में गजब का हौसला भर गया। सैनिकों को एहसास होने लगा कि माता तनोट देवी मुल्क की हिफाजत के लिए उनके साथ खड़ी है। मेन विशेषता इस मंदिर की जो है सन 1965 की लड़ाई की है। सन 1965 की लड़ाई में जो है पाकिस्तान सैनिकों ने इस मंदिर के ऊपर अटैक किया था, जिन्होंने इस मंदिर के ऊपर जो है 3000 बम फायर किए थे, जो कि 450 बम जो है मंदिर परिसर के अंदर गिरे हुए थे, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। वो सारे के सारे बम उसी जगह उसी स्थान पे वैसे को वैसे पड़े रहे थे, उसी जगह को अभी भी जो है मार्क कर रखा है। तो क्या आज से 49 साल पहले वाकई मंदिर में कोई चमत्कार हुआ था? अगर जैसलमेर की रेत पर गिरे 2500 गोलों ने जोरदार धमाके किए तो मंदिर पर गिरे गोले खामोश क्यों रह गए? क्या तोप के ये जिंदा गोले माता तनोट देवी की ताकत बयां करते हैं, या इन गोलों में ही कोई खोट है? ये जानने के लिए हमारी तफ्तीश घूमी दो युद्धों के उस इतिहास की ओर, जिसे देखकर दुनिया भर की सेनाएं तंग रह गई। मंदिर में रखे जिंदा गोलों का इतिहास भले ही सालों पुराना हो, लेकिन वो ऐतिहासिक लड़ाई आज भी हर किसी के जहन में जिंदा है। लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान ने पहले 65 में हमला किया और फिर 71 के विजय को तो देखकर दुनिया भी दंग रह गई। ये एकमात्र दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ शक्ति और भक्ति का आपको संगम मिलेगा। चाहे 1965 के युद्ध की बात करें या 1971 के युद्ध की बात करें, जो माने चमत्कार दिखाए थे उनका आज भी जनमानस गुणगान करता है। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का पूरा जिम्मा बीएसएफ के जवान संभालते हैं। वो यादें आज भी उनके जहन में जिंदा है। और हमारे साथ बात करने के लिए जोगिंदर सिंह बीएसएफ के मौजूद, उनसे बात करते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने उनके टैंकों ने हमारे जवानों के ऊपर 3000 या 3500 बम बरसाए थे तो हमारे जवानों को कोई अक्षति नहीं हुई, ना ही कोई हताहत हुआ और इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान के टैंक थे वो नेस्तनाबूद हो गए और वो हमारी हिंदुस्तानी फौज ने उनको कैप्चर कर लिया था। पूरी दुनिया इन जवानों के हौसलों को सलाम करती है और हिंदुस्तान के जवान तनोट माता की शक्ति को प्रणाम करते हैं। इस मंदिर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पूजा पाठ करते हैं और जिसका इतिहास इस अजूबे से भी पुराना है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाल पोस्ट पर हर सुबह इसी पूजा के साथ शुरू होती है। बीएसएफ के जवान तनोट माता के मंदिर में भजन गाते हैं और आरती करते हैं। ये सिलसिला 1965 की उस जंग के बाद से ही चला आ रहा है, जब मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए थे। बीएसएफ के जवानों में आज भी वो तोप के गोले जोश पड़ते हैं जिसमें एक अजूबा भरा है। सुना है कि सन 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो दुश्मन ने हमें तीनों तरफ से घेर लिया था और काफी बम्बार्डमेंट किया, जिसमें से 450 बम हमारे मंदिर परिसर के ऊपर गिरे, लेकिन मंदिर परिसर में एक भी खरोंच नहीं आई। माता की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर जितने भी बम गिरे उनमें से एक भी ब्लास्ट नहीं हो पाया और भारतीय सेना और बीएसएफ ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को यहाँ से खदेड़ दिया। बताते हैं कि बहुत पहले मामडिया नाम के एक चारण के यहाँ हिंगलाज माता ने पुत्री बनकर जन्म लिया। उन्हीं आवड़ माता का ये मंदिर है जिन्होंने कभी हुनों के आक्रमण से माड़ प्रदेश की रक्षा की थी। दावा किया जाता है कि भाटी राजपूतों के राज में भौतिक शरीर के रहते हुए आवर माता ने यहां अपनी स्थापना की थी। पहले माता की पूजा साकल दीपी ब्राह्मण किया करते थे, लेकिन साल 1965 से माता की पूजा बीएसएफ की ओर से नियुक्त पुजारी किया करते हैं।
वैसे आसपास के इलाके में माता को लेकर आस्था पहले से ही थी, लेकिन 65 की जंग के बाद ये आस्था और भी मजबूत हो गई। हाँ, मैं गया अंदर, मैंने जो बम उन्होंने पाकिस्तान ने जो छोड़े थे वो पूरे साक्षात वहीं पे ही रखे हैं बिना फूटे हुए, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इसके बारे में सुना, मंदिर के बारे में बहुत सुना था, हमको पूरी हिस्ट्री बताई थी कि यहाँ पे पाकिस्तान ने बम इतने आसपास भी छोड़े थे और यहाँ पर भी छोड़े, बट यहाँ पर फूटे ही नहीं। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान ने 3000 बम बरसाए मगर एक भी नहीं फटा, और आज जब इसकी चर्चा चारों तरफ फैली तो ये भक्तों का सैलाब भी आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग इन चमत्कारों को सुनकर इस दर पर आते हैं, खुद ये अनुभव पाते हैं कि क्या वाकई ऐसा संभव है। आस्था का विज्ञान से कोई नाता नहीं होता, लेकिन तोप के गोलों के पुष्ट होने का राज आज भी राज है। कोई नहीं जानता कि तोप से निकले ये गोले फटे क्यों नहीं, कोई ये भी नहीं जानता कि गोलों का ना फटना महज एक संयोग है या कोई विज्ञान। बीएसएफ ने तनोट माता मंदिर में आज भी उन तोप के गोलों और मोर्टारों को संभाल कर रखा है जो मंदिर परिसर में गिरकर फटे ही नहीं। लेकिन क्या है आखिर इन गोलों के ना फटने का राज, ये रिपोर्ट देखिए। अगर तोप के ये गोले जमीन पर गिरे तो फटे क्यों नहीं, क्या इन विस्फोटकों में कोई कमी है, क्या पाकिस्तान की सेना की ओर से दागे गए इन गोलों में विस्फोट करने की क्षमता नहीं है, इन सवालों से सबसे पहले बीएसएफ ही टकराई। 1965 की लड़ाई में जब तनोट माता का मंदिर तोप के जिंदा गोलों से पटा पड़ा था तो अजूबे की कहानी उस वक्त जंग में लड़े जाबाजों ने ही सुनाई। देवी के पास सेल में भरकर रखे कई जिंदा बम आज बीएसएफ के जवानों को बम से लड़ने की ताकत देते हैं, जो ताकत दुश्मनों के होश उड़ाने का हौसला देती आई है। कोई नहीं जानता कि माता तनोट देवी के मंदिर पर गिरे बम फटे क्यों नहीं, कोई ये भी नहीं जानता कि कुछ बम फटे भी तो मंदिर का बाल बांका क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, ये राज ही आज बीएसएफ की आस्था का केंद्र है। माता के मंदिर में रखे बम कभी भी फट सकते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा के लिए सेल में रख दिया गया है। तो आज के इस शो में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।